वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी कॉलेज ना स्टूडेंट नो विरोध SAMS हॉस्पिटल मा पौष्टिक आहार न मळता ABVP द्वारा हिंसक आंदोलन छेल्ला 6 महीना थी मिलावटी तेमज योग्य जमवानु ना मळतु होवानो आरोप जमवामा कीड़ा निकलता होवानो आरोप विद्यार्थी द्वारा अगाउ कलेक्टर ने पण रजूआत करवामां आवी हती परंतु हजु सुधी योग्य संतोषकारक जवाब ना मळता विद्यार्थियों आखरी विरोध पर उतरिया। क्रिसंगा जवाला ने रिपोर्ट न्यूज टुडे सूरत। नमस्ते, मेरा मनोज तिवारी अपनी वाटी विद्यार्थी पर तीन नंबर सिंह यूनिवर्सिटी अध्यक्ष की ओर पाचा जिला विद्यार्थी है संतोष कुमार छात्र विद्यार्थी थे अने पिछले दो बार हमने कलेक्टर श्री को भी रजूआत किए, वार्डन को भी रजूआत किए, समाज कल्याण अधिकारी को भी रजूआत किए, थाने में मिलावट की जा रही है पिछले 5 महीने से ये चला आ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा और यहाँ के प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई प्रेस वाले के खिलाफ नहीं की गई है। यहाँ पे जितने विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए आज भी थाने में वही मिलावट की गई है, आज भी विद्यार्थियों के थाने में वही मिलावट किया हुआ खाना आ रहा है और ऐसा खाना आ रहा है कि वो किसी इंसान को दिया जाए तो भी नहीं खाएगा और इसमें जितने भी ट्रस्ट अधिकारी मिले हुए सबके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और तुरंत ही मैस्टर जो कॉन्ट्रैक्ट है कैंसिल किया जाए। ये मानने के आज यहाँ पे सारे विद्यार्थी बैठे पिछले 5 महीने से मिलावट किया जा रहा है। कलेक्टर श्री को भी हमने रजूआत की, प्रशासन ने भी रजूआत की, प्रशासन ने भी हमने ध्यान किया कि ऐसा ही चीजें यहाँ पे हुई, फिर भी कोई भी कार्रवाई ना ही गांधीनगर से की है, ना ही यहाँ के वार्डन से की है, ना ही समाज कल्याण अधिकारी से की है। यहाँ के जो वार्डन समाज कल्याण है जो राणा सर है विद्यार्थियों का भी वही खाना दिया जा रहा है, जब भी विद्यार्थी रजूआत करने जा रहा है उसको धमका दिया जा रहा है, आज उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको आगे तो मतलब नहीं है कि उसको अच्छा दिया जाएगा। यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी बैठे हुए सुबह से खाए नहीं है, जब शाम को मिलावट किया खाना जब देते हुए नेक्स्ट वाले के पास नेक्स्ट वाला ये कहता तुम्हें जो करना है कर लो, खाना तो यही मिलेगा, तुम्हें जो करना कर लो, जब काफी छात्र शक्ति को चुनौती दी और यहाँ पे जितने विद्यार्थी बैठे हुए जब तक इसका कॉन्ट्रैक्ट जवाब नहीं होगा जब तक इसके खिलाफ जितने भी ट्रस्ट अधिकारी मिले और जब तक इसके खिलाफ कमेटी नहीं बनाई जाएगी तब तक यहाँ पे विद्यार्थी हम आगे जब तक ये चीज़ का जिक्र नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे विद्यार्थी जाएगा नहीं।